गूगल एनालिटिक्स गूगल का एक और टूल है जो मेजरमेंट के लिए गूगल एनालिटिक्स यूज़ होता है, आपकी हर वेबसाइट में ऑलमोस्ट इंस्टॉल होता है। अगर आपकी वेबसाइट बनी हुई है तो आप इसको ज़रूर इंस्टॉल करें, यूआरएल आपके सामने है। इसको आप जब इंस्टॉल करेंगे इसमें आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। ये हमारे एक दूसरे कोर्स डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में ये कवर हो चुका होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ एसईओ पर्सपेक्टिव से आपको बताऊँगा कि गूगल एनालिटिक्स में आपने किस तरह से एसईओ के लिए स्टैट्स देखने हैं। एक बड़ा माइनर सा सेक्शन है लेकिन वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आप गूगल एनालिटिक्स ऑलरेडी जानते हैं तो आपको ये सेक्शन काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इसको अपने डेवलपर से कह के भी इंस्टॉल करवा सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। आपको अगेन गूगल से अकाउंट बनाना है और यहाँ पर आप इस यूआरएल पे जाएंगे, वहाँ जाके साइनअप कर लें, अपना यूआरएल दें और उस पर अकाउंट बना लें। मैं आपको अभी लाइव डेमो दिखाऊंगा कि किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें आपको गूगल एनालिटिक्स में एसईओ पर्सपेक्टिव से हेल्प करेंगी। सो आइए देखते हैं। जब आप गूगल एनालिटिक्स में अपनी वेबसाइट रजिस्टर कर लेंगे तो आपको कुछ होम पेज इस तरह से नज़र आएगा, जिसमें आपको यहाँ पर स्टैट्स नज़र आएंगे कि ग्राफ के ऊपर ये कितने विजिट्स हैं, कितने इंप्रेशंस हैं। राइट साइड में आपको लाइव विजिट्स दिखाएगा, नीचे आप जाएंगे तो वो आपको बताएगा कि कौन कौन सी वेबसाइट से किस किस चैनल से ट्रैफिक आ रही है, जिसमें मेन चैनल ऑर्गेनिक सर्च है, डायरेक्ट, सोशल और रेफरल या बाकी सारे चैनल्स हैं। इसमें हमारे जो रेलिवेंट चीज़ है वो ऑर्गेनिक सर्च है। आप ऑर्गेनिक सर्च को यहाँ एक्विजिशन रिपोर्ट से भी देख सकते हैं, या लेफ्ट में अगर आप जाएँ तो एक्विजिशन के अंदर आप यहाँ पर चैनल वाइज भी जो है ऑल ट्रैफिक को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और चैनल्स को सिलेक्ट करेंगे तो आपको पूरी वेबसाइट का वो सारे चैनल नज़र आ जाएंगे कि कहाँ कहाँ से किस किस चैनल से वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रही है। अब सोशल मीडिया से ट्रैफिक आने वाली, यानी कि फेसबुक और ट्विटर से आने वाली ट्रैफिक सोशल चैनल में काउंट होती है। डायरेक्टली जो आपका यूआरएल ओपन करता है उसको डायरेक्ट ट्रैफिक बोलते हैं। रेफरल ट्रैफिक वो होती है जो आपको आपको विजिट करती है किसी और वेबसाइट से, कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका विकिपीडिया में लिंक लगा हुआ था, वहाँ से वो क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर आएंगे तो वो विकिपीडिया से रेफरल काउंट होगा आपकी वेबसाइट को। ऑर्गेनिक सर्च बेसिकली वो सर्च है जो सर्च इंजन्स के ऊपर जब कोई सर्च करता है तो वो उसके सर्च करने के बाद आप पे क्लिक करते हैं, आपकी वेबसाइट के रिजल्ट पे क्लिक करते हैं और आपको विजिट करते हैं। सो मैं अभी इसको एक्सप्लोर करूंगा कि गूगल एनालिटिक्स हमें क्या डेटा शो करता है कि किस तरह से लोग हमारी वेबसाइट सर्च कर रहे हैं और किस तरह से वो क्लिक कर रहे हैं। जैसे मैंने उसके ऑर्गेनिक सर्च पर क्लिक किया, आपको मैं दोबारा बता दूँ, आप लेफ्ट साइड में एक्विजिशन में जाएंगे, ऑल ट्रैफिक में जाके चैनल्स में जाएंगे और चैनल्स के अंदर जाके आपने ऑर्गेनिक सर्च पे क्लिक करना है तो आपको सिर्फ ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिल जाएगी आपके सामने, कितनी ट्रैफिक है जो गूगल से आ रही है। सो ये आपको एनालिटिक्स हेल्प करते हैं ये अंडरस्टैंड करने में कि आप अगर किसी को ये बताना चाहें कि आपकी एसईओ का कितना फ़ायदा है तो आप उसको दिखा सकते हैं कि देखें जी आपकी पहली ट्रैफिक ऑर्गेनिक जो थी वो कम थी, अब ज़्यादा है। तो आप ऐसे अपने जो है इसके इस टूल के साथ आप गूगल एनालिटिक्स साथ ये साबित कर सकेंगे कि आपकी कितनी ट्रैफिक है जो गूगल से आ रही है। अभी इसमें कोई कीवर्ड यहाँ पर लिस्टेड नहीं है तो ये कॉलम आपको यहाँ पर कोई कीवर्ड नज़र नहीं आ रहे, ये नॉट प्रोवाइडेड वो कीवर्ड्स हैं जो जब आप कोई लॉगिन करके सर्च करता है तो उसमें नॉट प्रोवाइडेड सर्चेस जो हैं वो आती हैं। लेकिन जिस तरह से आपने गूगल वेब मास्टर टूल्स में देखा था कि वहाँ पर जो भी कीवर्ड्स आपको वहाँ मिलेंगे वो यहाँ पर भी असल में लिस्टेड होते हैं अगर आप इनको लिंक कर लें। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताना ये चाहता था कि किस तरह से आप अपने गूगल एनालिटिक्स के स्टैट्स बाकी स्टैट्स से कंपेयर कर सकते हैं। अगर मैं वापस चैनल्स पर जाऊँ मेन चैनल्स के ऊपर तो हम ये देख सकेंगे कि हमारी एसईओ से आने वाली ट्रैफिक और हमारी दूसरे चैनल से आने वाली ट्रैफिक दोनों में ज़्यादा कौन सा रोल प्ले कर रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि मेरी पर्सनल वेबसाइट में गूगल से ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है, बाकी चैनल से कम आ रही है। लेकिन अगर आपका क्लाइंट देखना चाहेगा कि वो क्यों सर एसईओ पे पैसे लगाए, क्यों डायरेक्ट पे या सोशल मीडिया पे पैसे ना लगाए, या वो अगर आपसे ये पूछे कि मैं अगर पैसे लगाऊँ तो मुझे क्या बेनिफिट होगा, तो आप उसको दिखाएंगे कि भाई आप देखें कि किस तरह से आपकी जो ट्रैफिक है वो बाकी चैनल से आ रही है और ऑर्गेनिक सर्च जो एसईओ है वो बिल्कुल मिसिंग है। तो आप इस पे पैसे लगाएंगे या अगर आप आपको वो हायर करेंगे तो किस तरह से आप इसकी ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ाएंगे जो कि एक अच्छी ट्रैफिक है। सो ये चीज़ें आपको गूगल जो एनालिटिक्स है वो आपको इस चीज़ में हेल्प करेगी। जैसे कि आपने देखा कि गूगल एनालिटिक्स में अगर आप चैनल्स को चैनल्स की रिपोर्ट निकालें और उसमें ऑर्गेनिक सर्च के चैनल की रिपोर्ट देखें तो वो सारी ट्रैफिक जो सर्च इंजन से आ रही है वो आपको पता चल सकती है कि बेसिकली कितनी ट्रैफिक है जो एसईओ के तहत आ रही है, क्योंकि सर्च इंजन से आने वाली ट्रैफिक एसईओ की वजह से ही आती है। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर आप क्लाइंट को दिखा सकेंगे कि किस तरह से आपकी जो चैनल्स हैं उसमें एसईओ का एक बड़ा रोल है। अंदाजे के मुताबिक अगर आपकी वेबसाइट पे 80% ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं है तो आप मिस कर रहे हैं। सो अक्सर लोग रिलाई करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर और सिर्फ डायरेक्ट ईमेल के ऊपर। अगर आपकी 80% ट्रैफिक ऑर्गेनिक सर्च इंजन से नहीं आ रही तो आप जो है अपनी मार्केटिंग ठीक नहीं कर रहे हैं।
सो ऑर्गेनिक ट्रैफिक का इतना बड़ा रोल है, इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस SEO की दी जाती है कि SEO करेंगे तो आपकी ऑर्गेनिक सर्च बढ़ेगी। तो अगर आपके 100 विजिटर्स टोटल आ रहे हैं उनमें से 80 आपके गूगल से या दूसरे सर्च इंजन से आने चाहिए, बाकी आपके 20 जो हैं उनमें से सोशल मीडिया डायरेक्ट और रेफरल ये सारे चैनल्स पर डिवाइड होनी चाहिए। सो इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपकी ट्रैफिक 80% गूगल से नहीं आ रही या दूसरे सर्च इंजन से नहीं आ रही, एक बहुत बड़ा मसला है। आपको गूगल एनालिटिक्स ये रिपोर्ट कंफर्म करेगी कि कितनी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे टोटल है और कितनी ट्रैफिक उसमें से सर्च इंजन से यानी कि ऑर्गेनिक सर्च से आ रही है। तब आप देखेंगे कि कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है और आप कैसे उसको ग्रो करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि SEO अकेले काम नहीं करती है। SEO बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक चैनल है जो कि मल्टीपल चैनल के साथ मिलकर काम करती है। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी लेके चलें SEO के बाद, बाकी स्किल्स भी आप सीखें और इसको प्रॉपरली एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के तौर पर SEO को फोकस करते हुए बाकी चीज़ें भी आप उसको रिकमेंड करें क्लाइंट को।